हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैपकट का नेटवर्क एरर सभी को आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि कैपकट एक चाइनीज ऐप है और चाइनीज ऐप इंडिया में बैन है। इस वजह से अगर आप नॉर्मल इंटरनेट या वाईफाई कनेक्ट करके ट्राई करते हो कैपकट यूज करने का, तो उसमें ये एरर शो कर देता है आपको, जब भी आप कोई ट्रांजिशन या एलिमेंट वगैरह यूज करने जाते हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वीपीएन का इस्तेमाल करके हो जाएगा, सॉल्यूशन यही है, वीपीएन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। पर वीपीएन में आप कोई भी लोकेशन ऐसे ही कनेक्ट कर दोगे तो नहीं चलता है। ओके, मैंने वीपीएन भी ट्राई कर लिया पर नहीं चलता। वीपीएन में आपको कुछ लोकेशंस में ही चलता है, जो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, और मैं जो ये अभी तरीका बताऊंगा वो आपके पीसी और मोबाइल दोनों पे ही काम करेगा। ओके, फुल प्रूफ तरीका है, मैं दिखाऊंगा। वैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये भी कैपकट में ही एडिट किया हुआ है, ट्रांजिशन वगैरह जो आपने देखा वो सब कैपकट का ही है। ओके, तो वीपीएन में ऐसा आपको क्या करना पड़ता है ताकि चले, आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, वैसे मैं पीसी में दिखा रहा हूँ, मोबाइल के लिए भी सेम चीज है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये कैपकट का डैशबोर्ड है। मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया हूँ, अभी ब्लैंक प्रोजेक्ट है, और यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक नेटवर्क एरर, क्लिक टू ट्राई अगेन। ओके, सो इसी एरर को हमें सॉल्व करना है, कितना भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ काम नहीं करता। तो सॉल्यूशन यही है, आप एक वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए। ओके, कोई भी वीपीएन पीसी के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी डाउनलोड करके रखा है वो है टर्बो वीपीएन। ओके, आप लिंक मैंने दे दिया है, जाइए लिंक पे क्लिक करिए, टर्बो वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ओपन होने के बाद आपको ऐसे ही रैंडमली किसी भी लोकेशन में कनेक्ट नहीं कर देना है, आपको सिंपली कनेक्ट कर लेना है सिंगापुर। सो गाइस, हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया है और चलिए अभी देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कैपकट में। ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं, काम नहीं कर रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले एक बार पूरा हटाते हैं कट करके। ओके, इसे पूरा कट कर देते हैं, फिर रीओपन करते हैं। तो अगर आपका वीपीएन ऐड करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो एक बार उसे काट के पहले रीओपन करिए। ओके, फिर कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और फिल्टर में जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लोडिंग रिसोर्सेस आ गया, तो इतना इजी था गाइस इसे सॉल्व करना। पर अगर आप किसी भी लोकेशन में कनेक्ट कर दोगे तो नहीं चल रहा है, सिंगापुर में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओके, तो सिंगापुर को आप कनेक्ट करिए। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।